बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और यहाँ मेरी कॉफी नहीं रुक रही है। वेलकम सबका, स्वागत है करने वाला। आ जाओ ट्राई करो, सर्दियों में पेलो इसको। ओहो, कोई नून में है नहीं बॉक्सिंग वॉक्सिंग वाला। भाई थंबनेल में तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आ जाओ आज सिखाता हूँ बेसन का परांठा। भाई इतना हेल्दी, वेज वालों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ बेसन का है भाई। पहले तो ट्रैक करने के लिए, जिसके पास ये नहीं है एक बार ये ले लीजिए, वेइंग मशीन। ये बेसन, ये क्या अम्मी? पालक। पालक थोड़ी सी, थोड़े से प्याज, जस्ट फॉर सम टेस्ट, बिकॉज ना वो बहुत ड्राई बनता है। ये लिया ज़ीरो, इसको खोलो, खोलियो मैं भाई, इसमें डाल दे बस 100 तक। ये चम्मच दे दो, लो मैं डालूँ। भाई आप लोग अपने मैक्रोज के हिसाब से, अपनी कैलरीज के हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। 100 ग्राम का न्यूट्रिशनल इन्फो मैं डाल देता हूँ स्क्रीन पे, देख लो। प्रोटीन भी सही है, कार्ब्स भी सही है, फाइबर भी सही है, सारी चीज़ ऑप्टिमल है, प्लस वेज है, सबसे बेस्ट बात। 100 ग्राम सैलड्स और इन सब चीज़ों को तो मैं ट्रैक करता ही नहीं। तो हो गया नॉन स्टिक पैन, और इस पर थोड़ा सा घी लगा के उसको स्प्रेड कर दो ताकि चिपके ना। हाँ मिला दो। और इसके बाद क्या मिलाते हैं आप इसमें? पानी। चलो मिला। पानी कितना डालते हो? आधे गिलास बस। मतलब अभी तेरे सामने यूं आइडिया बना बेटा मेरे को। हाँ। देख लिया तो। एंड यस द मेन इंग्रेडिएंट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। इसमें दो बन जाएंगे ना? हाँ दो। सौ ग्राम लिया होगा ना? क्या पानी? ये हाँ 100 ग्राम। हाँ दो बने आते हैं उसमें। हाँ 100 ग्राम में दो ही बनते हैं। पानी और होगा? नहीं बस। भाई ये छोटा गिलास है, आप लोग देख सकते हो इतना ही लिया जाता है। और यस, इसमें और थोड़ा टेस्ट बनाने के लिए, अपने मैक्रोज फिट करने के अकॉर्डिंग, आप लोग पनीर या चीज स्लाइस भी ऐड कर सकते हो उसको ग्राइंड करके। इसमें पनीर भी मस्त ग्राइंड हो गए, इसमें आप बढ़िया ऐड करके वो भी बना सकते हो थोड़ा और टेस्टी करने के लिए। मैं पनीर खाता नहीं हूँ, चीज़ अभी खा नहीं रहा हूँ, बिकॉज मेरे मैक्रोज में भी फिट नहीं बैठ रहा। तो यस, वो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वट एवर सूट्स यू द बेस्ट, आपकी कैलरी इनटेक सब चीज़ें। ये पूरा ऐसा बैटर बन जाएगा, थोड़ा सा और पानी, मतलब ये बस इतना लिक्विड बन जाना चाहिए। हाँ, जिससे कि ज़्यादा चिपके भी ना और ज़्यादा लिक्विड भी नहीं। पानी आप देख सकते हो, तवा भी हो गया गर्म। इसको कितने साइड है वो करोगे, ऊपर नीचे? तो अच्छा आराम से पकाते हो, बंदी गैस पे पकाऊंगी आराम से, मतलब लग जाते हैं एक को 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट ऊपर नीचे? हाँ ऊपर नीचे, मतलब यूँ दबा दबा के थोड़ा, ये धीरे पक पकता है ना बेसन। ठीक है, ढकोगे भी या बिना ढके? ना बिना ढके, बिना ढके। ठीक है, कच्चापन निकाल देती हूँ ना। देख लिया सारा प्रोसेस, कुछ भी नहीं है तो पानी बेसन मिक्स करा, और हाँ जो इंग्रेडिएंट्स है, सैलड आप अपना कुछ भी डाल सकते हो, प्याज टमाटर पालक वालक जो भी आपको सूट करे, पनीर चीज़ वो सब भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वही बेस्ट रहेगा।
और प्रोटीन इंटेक भी बढ़ जाएगा, दोनों डेयरी प्रोडक्ट है। एंड बस उसको ऊपर नीचे पका दो, 10-15 मिनट में हो जाएगा मील रेडी। हाँ, एक और हिंट देना चाहूँगा, मैं लूँगा इसको दही के साथ। क्यों? क्योंकि ये होता है ड्राई भाई, ये बहुत ड्राई फूड है। मतलब आप बस सर्दियों में खा सकते हो, गर्मियों में खाना बहुत मुश्किल है, बहुत ड्राई फूड है। तो दही लस्सी कुछ भी एक, ताकि जिसके साथ ये नीचे सटक जाए ना, वरना सटकता नहीं है ये, तो उसके साथ भी आप खा सकते हो। तो यस, अब बन के सीधा जब मिलते हैं भाई, आइटम तैयार है, दही आ गई, अब टेस्ट चेक तो बताते हैं। ओह, जो ये ग्रीन्स डाला ना मेरे, मैंने इसका टेस्ट आ रहा, ये लाजवाब। प्लेन मत बनाना, पता कुछ ना कुछ डाल लेना, प्याज टमाटर पनीर चीज एनीथिंग, सब्जी स्पेशली कुछ ना कुछ तो ना, बिकॉज बिना उसके ना बहुत ड्राई हो जाएगा और बहुत टेस्टलेस सा हो जाएगा। और भाई हेल्दी भी खाना है और टेस्ट वाला भी खाना। ओह भाई, मेरी लेवल ऑफ डकार से आप जज कर सकते हो कितना स्वाद खाना था, बट भाई बहुत हैवी हो जाता है। दो तीन अब मैं चीज़ें बताता हूँ, ये एक्सट्रीमली हैवी है, तो ट्रस्ट मी, 100 ग्राम अगर आप एक बारी में खा रहे हो ना, बहुत हैवी हो जाता है। बट ठीक है, मेरी ये प्री वर्कआउट मील है, बिकॉज 2 बज चुके हैं, 5, 5:30, 6 बजे जाऊँगा मैं, तो मेरे को उससे पहले चीज़ को तो 3-4 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में 100 ग्राम। तो अगर आप ना खाया जाए तो एक खा सकते हो, एक किसी और मील में खा सकते हो। एंड हाँ जी, अब बात करते हैं कैलरीज की। सी कैलरीज इसमें लाइक, देखो न्यूट्रिशन इन्फो के अकॉर्डिंग 100 ग्राम में 390, ठीक है, थोड़ा सा घी लगा था, उसमें ग्रीसिंग हुई थी, तो 20-30 ग्राम वहाँ से लगा लेते, 30 ग्राम 420, और 30 ग्राम प्याज व्याज पालक वगैरह उन सब चीज़ों का गिनना हो तो वो भी वी कैन काउंट, बट सैलड्स वैलड्स का सब्जियों का मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ। सो इट्स अराउंड 450 कैलरीज है, और मैक्रोस तो आपने देख ही लिए थे, तो ये वेट लॉस के लिए काफ़ी सही ऑप्शन है, फुलफिलिंग है सबसे अच्छी बात ना। इतनी कम कैलरीज में ना आपका जो पेट भरा रहेगा, कम से कम आपको 4-5 घंटे भूख नहीं लगेगी, ट्रस्ट मी, आप एक बार ट्राई करना ये मील, बहुत फुलफिलिंग है। अभी ये 1 घंटा तो यहाँ पड़ी रहेगी मेरी, यहाँ बैठी सही में, ये नीचे नहीं सटकता भाई, ये बहुत देर में सटकेगा, थोड़ा स्टेप्स लूँगा जब जाके सटकेगा। तो ये हैवी भी है, और गर्मियों में तो ये खाना बहुत इम्पॉसिबल है, तो ट्राई करो सर्दियों में पेलो इसको, जो स्पेशली वेज डाइट फॉलो कर रहे हैं मेरे की तरह, वेज प्लस एग डाइट, मेरे को हिपोक्रेट नहीं बनना। तो यस, जो चिकन विकन नहीं खा रहे, जिनका प्रोटीन इनटेक हिट नहीं हो रहा है पूरा, वो ये ट्राई करो, आपका बढ़िया 25 ग्राम का प्रोटीन विद 450 कैलरीज मील हो सकती है। और अगर दही वही का काउंट करो, या पनीर या चीज़ और चीज़ें भी ऐड करो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, वहाँ से भी काफ़ी आपको प्रोटीन मिल सकता है, क्योंकि तीनों चीज़ें सोर्स ऑफ डेयरी, और डेयरी इज रिच इन प्रोटीन। मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बट प्राइमरीली पसीना निकल रहा है पहले, सेकेंडरी कुछ तो सीख रहा हूँ नया, स्ट्राइकिंग। मतलब मैं अगर आपको आज का वर्कआउट समराइज करूँ ना, स्ट्राइकिंग कर रहा हूँ, एक दो दो एक्सरसाइज ले रहा हूँ, स्ट्राइकिंग कर रहा हूँ,
नेक की कर रहा हूँ, ट्रैप्स भी कर रहा हूँ, प्लस शोल्डर भी कर रहा हूँ। मतलब जो मेरा शोल्डर डे होता था ना, वो मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया इस चीज़ से। मेनली थोड़े बॉक्सिंग ड्रिल, स्ट्राइकिंग ड्रिल, प्लस नेक को टाइटन अप करने के लिए चूज करा मैंने ये शोल्डर, बिल्कुल छोड़ दिया। बट हाँ, इसमें शोल्डर एक्सरसाइज कर लेता हूँ। एक दिन बनाऊंगा एक वीडियो बस इसी के लिए, इस वीक में बनाता हूँ या नेक्स्ट वीक में बनाता हूँ। मेरा दिन में बस एक ही दिन होता है ये, आज का तो हो गया मेरा। बट मैं नेक्स्ट वीक पक्का आप लोग को दिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ। आई माइट बी रॉन्ग, मैं पक्का गलत हूँ, मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। पहला मेरा काम है पसीना निकालना, दूसरा है वो चीज़ें सीखना भाई। खुद यूट्यूब कर करके, इंस्टाग्राम पे देख देख के ड्रिल्स कर रहा हूँ। आई डोंट नो गलत कर रहा हूँ या नहीं, बट मैं करना चाहता हूँ और मैं करके रहूँगा, सीखूँगा। कोई नोन में है नहीं बॉक्सिंग वॉक्सिंग वाला, ड्रिल वाला, जो मेरे को गाइड कर सके। पैसे इतने है नहीं, बट कोई नहीं, खुद देख के सीखेंगे, पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अब स्टीम लेते हैं। वाह भाई, इच्छा अंडे ना, कल मैं एक चैलेंज करूँगा जस्ट टू चेक माई पोटेंशियल। 30 अंडे, पूरी 1 अंडे की ट्रे कल खाऊंगा। सो कल की वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना। चलो बाय।